हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे सिंगोनियम के बारे में बात करूंगी। देखिए, बहुत ही इसको एरो हेड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि देखिए तीर आगे से ऐसा होता है ना, भाला या तीर तिकोना सा ऐसे वैसा है होते हैं इसके पत्ते। और ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, आपको हर जगह मिल जाएगा। रेड कलर की पत्तियों वाला भी आता है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये वाइट सी पत्तियां भी आती हैं, मतलब लाइट ग्रीन, उसको वाइट वाला कहते हैं। और ये प्लांट जो है आपका शेड में चलता है, और आपको गार्डन्स वगैरह में, आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, आपको ये बहुत लगा हुआ दिखाई दे दिखता है। ग्राउंड कवर जैसे लगाया हुआ होता है, बहुत फैलता है। अभी भी देखिए कितना ऊंचा हुआ, ये 4 फीट वाली जो मैंने लगाई हुई है मॉसेस स्टिक, उसके ऊपर कितना ऊपर तक चढ़ गया है ये। और मैं इसकी छटाई भी मैं इसकी करती रहती हूँ, मैं काफ़ी गमले इसके तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये मैंने कटिंग लेके गमला तैयार किया हुआ है, एक वो तैयार किया हुआ है, वो देखिए, और एक कटिंग मैंने इसमें लगाई हुई है। तो ये प्लांट आप इंडोर भी चला सकते हैं, और आपको मैंने दिखाया था, मैंने अपने बुद्धा प्लांटर में भी एक प्लांटर में लगाया हुआ है। तो मैं इस प्लांट से सेपरेट करती रहती हूँ बेबी प्लांट्स। तो जैसे आपको मैंने कहा, आपको गार्डन वगैरह में लगे दिखते हैं, तो आप एक छोटी सी कटिंग ला सकते हैं। पेड़ को मत डिस्ट्रॉय करिएगा लगा हुआ है, और अगर बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है कि हल्की सी कटिंग आप माली से पूछ के या वैसे भी ले सकते हैं, और आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लेनी चाहिए हमें इसका बेबी प्लांट, कैसे सेपरेट करना चाहिए। तो देखिए, ये प्लांट लगा हुआ है, और इसमें ये देखिए कितनी सारी, ये देखिए जड़ें आती हैं, देखिए कैसे ये रूट्स निकल निकल के इसके अंदर जाने के लिए देखिए ग्रो कर रही है। देखिए ये धीरे धीरे देखिए ऐसे अंदर चली जाती हैं, मॉसेस स्टिक के ये अंदर गई हुई हैं देखिए। और इसमें से जब हम पानी दें तो मॉसेस स्टिक पे पानी ज़रूर दें, जिससे कि मॉसेस स्टिक जो है वो गीली होती रहे और इन जड़ों इनको न्यूट्रिशन देती रहे। तो देखिए ऐसे ये छोटे छोटे इसके ऐसे ही अलग होते रहते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, देखिए ये अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से सेपरेट करती हूँ, तो देखिए इसमें ये रूट निकली हुई है, और एक ये सेपरेट प्लांट जैसे ग्रो कर जाएगा। ये देखिए ऐसे इसमें, देखिए ये भी मैंने अलग निकाल के ग्रो किया हुआ है। और अभी मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ती हूँ या मैं एक सीजर्स से काट के दिखाती हूँ, लाइव से काट के दिखाती हूँ आपको। तो एक ये यहाँ भी है, देखिए ये भी दिखा सकती थी, जैसे ये है, इसको भी अगर मैं यहाँ से काट लेती हूँ, इसको काटूँ या इसी को ही काट के दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से काट लें अगर इसको हम ऐसे, ये तो ये जो पोर्शन अलग हुआ है जिसमें ये रूट है, इसको अगर हम लगाएंगे तो ये नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ऐसे ही आप इसके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया, इसको हम अलग करें, इसको यहाँ से मैं अलग करूँ तो ये भी ग्रो कर सकता है। और बहुत सारे आपको ऐसे दिख जाएंगे, जैसे शायद ये जो है, इसको भी, ये देखिए ये वाला जो मैं पकड़ रही हूँ, इसको भी अगर मैं यहाँ से काटती हूँ, देख रहे हैं आप, ये रूट्स निकली हुई हैं, यहाँ से काटती हूँ और मैं अगर अलग से लगा देती हूँ, यहाँ से इस जगह से अगर मैं काटूँ और लगा दूँ, तो ये भी अलग से एक प्लांट बन जाएगा। और बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये मैंने लिया है, और इसको अभी मैं आपको यहीं लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे बस आपको होल करना है मिट्टी में, और इसको ऐसे ऐसे लगा देना है, बस ये आपका नया प्लांट लग गया। और फिर बस ऐसे जिस यहाँ भी आपको लगाना है ऐसे लगाइए, और एक नया गमला आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आप कहीं से भी ला सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ऑफिसेस में भी बहुत लगे हुए होते हैं, और बड़े एक बार ये लग जाता है इतना ज़्यादा क्यारी में। जैसे अब आप देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये इसको भी अगर यहाँ से हम काटते हैं, इस जगह से काटते हैं, तो ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे इसकी रूट्स निकलती रहती हैं, और आप ऐसे काटें और नया प्लांट तैयार कर लें। तो वेरी इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है ये, इसकी जड़ें बहुत निकलती रहती हैं। तो आपको अब पता चल गया ये एरोहेड या सिंगोनियम है, और कहीं भी छाया में उगता है ये प्लांट, जहाँ छाया हो वहाँ आप लगाएं इसको, और आपको कहीं भी मिले तो छोटी सी कटिंग ला के और लगा लें।
तो फ्रेंड्स ये आपका मुफ्त में एक मुफ्त में प्लान तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया और मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।